वैदिक कथाएं और गाथाएं में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका मेजबान एक साधारण कथाकार। आज हम हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं, देवता और असुरों, राक्षसों के बीच के शाश्वत संघर्ष का अन्वेषण करेंगे। ये ब्रह्मांडीय युद्ध अच्छाई और बुराई, व्यवस्था और अराजकता के बीच संघर्ष का प्रतीक है। देवता और असुर शक्तिशाली प्राणी हैं जो अक्सर ब्रह्मांड के नियंत्रण और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संतुलन के लिए संघर्ष करते हैं। ये युद्ध केवल शारीरिक संघर्ष नहीं है, बल्कि नैतिक और दार्शनिक संघर्षों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए इन महाकाव्य युद्धों की कुछ महत्वपूर्ण कहानियों में गहराई से उतरते हैं। खंड एक, समुद्र मंथन। देवता और असुरों से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है समुद्र मंथन। देवता और असुरों ने अमृता का अमृत प्राप्त करने के लिए मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का निश्चय किया। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन किया गया। इस प्रक्रिया के दौरान विभिन्न रत्न और प्राणी उत्पन्न हुए, जिनमें घातक विष हलाहल भी था, जिसे शिव ने ब्रह्मांड को बचाने के लिए पिया। अंततः धनवंतरी, दिव्य चिकित्सक अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को लेकर एक भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन विष्णु की चाल और रणनीति से देवताओं ने अंततः इसे प्राप्त किया और अपनी श्रेष्ठता सुरक्षित की। खंड दो, वृत्रासुर का युद्ध। देवताओं के राजा इंद्र और असुर वृत्रासुर के बीच का युद्ध एक अन्य महत्वपूर्ण संघर्ष है। वृत्रासुर ने दुनिया के जल को अवरुद्ध कर दिया था, जिससे सूखा और पीड़ा उत्पन्न हो गई थी। इंद्र ने वज्र, बिजली, अस्त्र के साथ वृत्रासुर से एक भयंकर युद्ध लड़ा। विष्णु के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से इंद्र ने वृत्रासुर को पराजित किया, जल को मुक्त किया और दुनिया में जीवन को बहाल किया। यह युद्ध नवीनीकरण और अराजकता पर दिव्य व्यवस्था की विजय का प्रतीक है। खंड तीन, प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की कथा। प्रहलाद और उनके पिता असुर राजा हिरण्यकशिपु की कहानी आस्था और भक्ति की एक गहरी कथा है। हिरण्यकशिपु, जो देवताओं को नष्ट करना चाहता था और स्वयं को अजेय घोषित कर चुका था, को ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त था कि उसे न मनुष्य, न पशु, न दिन में, न रात में, न पृथ्वी पर, न आकाश में मारा जा सके। प्रहलाद, जो विष्णु के एक भक्त थे, अपने पिता के निषेधों के बावजूद विष्णु की पूजा करते रहे। अपने क्रोध में हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद को दिव्य हस्तक्षेप से सुरक्षित रखा गया। अंततः विष्णु ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया, जो आधा मनुष्य और आधा सिंह था, और हिरण्यकशिपु को मारने के लिए अवतरित हुए। नरसिंह ने उन्हें संध्या, न दिन न रात के समय, महल की देहरी पर, न भीतर न बाहर, और अपनी गोद में, न पृथ्वी पर, न आकाश में मार डाला, ब्रह्मा के वरदान की शर्तों को पूरा करते हुए। खंड चार, बलि और वामन की कथा। बलि असुर राजा और वामन विष्णु के बौने। अवतार की कथा विनम्रता और ब्रह्मांडीय संतुलन की एक कहानी है। बलि, एक धर्मपरायण और शक्तिशाली असुर, ने अपनी भक्ति और शक्ति से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। विष्णु वामन के रूप में अवतरित हुए और बलि के यज्ञ बलिदान के दौरान उनसे तीन पग भूमि की याचना की। बलि, जो अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध थे, ने अनुरोध स्वीकार कर लिया। वामन फिर एक विशाल आकार में बढ़ गए और उन्होंने दो पगों में धरती और स्वर्ग को नाप लिया। तीसरे पग में उन्होंने बलि के सिर पर अपना पैर रखा और उन्हें पाताल में भेज दिया। इस प्रकार ब्रह्मांडीय संतुलन को पुनः स्थापित किया। खंड पांच, अंधक की कथा। अंधक, जो शिव के पसीने और पार्वती की छाया से उत्पन्न एक शक्तिशाली असुर था, जन्म से ही अंधा था और उसे छोड़ दिया गया था। उसे असुर राजा हिरण्याक्ष ने पाला और वह बाद में असुरों का राजा बन गया। अंधक ने पार्वती के प्रति एक असीमित इच्छा विकसित कर ली, जिससे शिव के साथ एक भयंकर युद्ध हुआ। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के बावजूद अंधक को अंततः शिव ने पराजित किया, जिन्होंने उसे अपने त्रिशूल से भेद दिया, जिससे असीमित इच्छा और अज्ञान पर दिव्य न्याय की विजय का प्रतीक बना। देवता और असुरों के बीच के ब्रह्मांडीय युद्धों पर आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। ये कहानियां अच्छाई और बुराई, व्यवस्था और अराजकता के बीच शाश्वत संघर्ष और ब्रह्मांड के चक्रीय स्वभाव का प्रतीक हैं। यदि आपको यह एपिसोड पसंद आया तो कृपया हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब, रेट और रिव्यू करें। अगली बार हम वैदिक पौराणिक कथाओं के महान ऋषियों और मुनियों की बुद्धिमत्ता का अन्वेषण करेंगे। तब तक प्राचीनों की बुद्धि आपके मार्गदर्शन में बनी रहे।